स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैं आपको कर्सिव लेटर के ए टू एम और एम टू जेड टू वीडियोस में मैंने आपको कर्सिव लेटर को कितना आपको बताया था कैपिटल लेटर्स ना। आज हम स्मॉल लेटर्स को लिखना सीखेंगे ए टू एम। सभी बच्चे अपनी कॉपी को ओपन कर लीजिए और मेरे साथ साथ इसको लिखते जाइए। आज हम स्मॉल लेटर को ए टू एम लिखना सीखे। सभी बच्चे अपनी रफ कॉपी को ओपन कर लीजिए और मेरे साथ साथ लिखते जाइए। देखिए, जो हमने ए टू जेड कर्सिव लेटर लिखे थे कैपिटल वाले, तो हम फोर लाइन की कॉपी यूज़ करते हैं लिखने के लिए। फर्स्ट और सेकंड के बच्चे लाइंस वाली कॉपी में लिखते हैं और थर्ड और फोर्थ के बच्चे जो है वो वन लाइन की कॉपी में लिखते हैं। तो जो लाइंस वाली कॉपी में लिखते हैं उनके लिए बता रही हूँ, जो बीच की जो दो लाइंस होती है उसमें ही ज़्यादातर वर्ड्स जो है वो स्मॉल लेटर्स भी आते हैं, है ना। तो आप हमें क्या है लाइन्स का बिल्कुल ध्यान रखकर कहते हैं। और थर्ड फोर्थ के बच्चे जो हैं वन लाइन की कॉपी में लिखते हैं तो ठीक से लाइन को टच करके वर्ड लिखिए। मुझे सिंगल लाइन की कॉपी में लिखते हैं तो जो लाइन जा रही है ना उसको लाइन जा रही है उसको ऐसे करके टच करके लिखिए। ये जो लेटर है वो लाइन में टच होना चाहिए। कुछ बच्चे इस तरह से लिखते हैं, ये लाइन वाली कॉपी है और ऊपर ऊपर ऐसे करके लिखते जाते हैं तो ये जो गैप होता है वो रॉन्ग होता है। इस तरह से आपको नहीं लिखना है। जो सिंगल लाइन में जो लिखेंगे बच्चे थर्ड फोर्थ के बच्चे, तो जो लाइन सिंगल लाइन कॉपी होती है उसमें सारे वर्ड्स जो है वो लाइन से टच होने चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या बनाना सीखेंगे, ए। ए के लिए हमें क्या करना है, देखिए टू लाइन है, मिडिल टू लाइन में हमें पहले ऊपर ले जाकर को ऐसे सर्कल बनाकर और ऐसे ए बनाना। मैं एक बार बहुत ज़्यादा स्लो बना रही हूँ, केयरफुली बना रही हूँ, तो आपको अच्छे से देख देख कर उसको बनाते जाना है, ठीक है। मिडिल टू लाइंस में आपको ए बनाना है। एक बार मैं फिर से बताती हूँ किस तरह से बनाना है। ये देखिए, ये हम ऊपर ले गए, सर्कल बनाया और इसको ऐसे कर्व में छोड़, ये हमारा ए बन गया। प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छे से आप बना पाएंगे। ये देखिए, ऊपर ले गए, नहीं से सर्कल बनाया और ये नीचे इस तरह से। नेक्स्ट बी, तो बी में हमें क्या करना है, बी में देखिए ये जो मिडिल लाइन है ये मिडिल लाइन से ही हमें इसको ऐसे टच करके ऊपर लेना है और फिर नीचे आना है और यहाँ से सर्कल बनाते हुए इसको इस तरह से करना है। वन टू थ्री, ये कितनी लाइन्स बनेगा, थ्री लाइन्स। ये देखिए, फिर से मैं यहाँ बना बता रही हूँ, वन टू सेकंड वाली लाइन से यहाँ ऊपर ले जाना है फिर नीचे आना है, यहाँ से कर ले जाते हुए ऊपर लाकर ऐसे, ये हमारा बन जाएगा बी। एक बार फिर से देख लीजिए, ये सेकंड वाली लाइन पे हमने पेंसिल को रखा, ऊपर ले गए, नीचे लाए, थर्ड लाइन पे फिर सर्कल लाकर
सर बी। यहाँ पर मैं बता देती हूँ सिंगल लाइन वाले बच्चों के लिए, ये देखिए इस तरह से बना। फिर से देख लीजिए ये ऊपर ले गए, नीचे लाए, ऊपर ले गए, फिर पी। नेक्स्ट हम बनानी है सी। सी जो है सी भी टू लाइंस में ही बनी। ये हम ऐसे करके यहाँ पर ले गए, यहाँ टच किया और उसको ऐसे घुमा। ये है सी, सी भी मिडिल की टू लाइंस में ही बनी। नेक्स्ट डी। तो डी भी हमें पीछे से ही ऐसे करके जाना है, सर्कल बनाना है, ऊपर ले गए और ये इस तरह से इसको नीचे डी। ए बी सी डी, ये देखिए सिंगल लाइन वाले बच्चों के लिए देख लीजिए, ये ऊपर ले गए, यहाँ से हमने सर्कल बनाया, पूरी लाइन को टच करना है नीचे और ये इस तरह ये लाइन नीचे टच होनी चाहिए। इस तरह से नहीं बनाना है, ये ऊपर ऐसे बनानी है, ये गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमें डॉग लिखना है तो हम क्या करेंगे, डी ओ जी इस तरह से बनाएंगे। तो ये जो है ये लाइन हमारी यहाँ पर जो जा रही है उससे सारे वर्ड्स जो है वो टच होने चाहिए, ठीक है। देखिए ये ले गए, सर्कल बनाया, ऊपर ले गए और नीचे डी। नेक्स्ट हमें बनानी है ई। ई भी मिडिल की टू लाइंस में ही बनेगी, ये देखिए बहुत सिंपल है। ई सिंगल लाइन वाले बच्चे देख लीजिए, कुछ बच्चे ई को ऐसे बना देते हैं तो ये ऐसे नहीं बनेगी, ये रॉन्ग है ना। ये जो है ना, ये इसके बीच में गैप होना चाहिए, ऐसे ये गैप दिखना चाहिए तभी ई मानी जाती, नहीं तो वो क्या हो जाएगी, आई हो जाएगी। इस तरह से अगर हम बनाएंगे तो वो आई हो जाएगी, डॉट और लगाना होगा, आई हो जाएगी, है ना। तो ऐसे नहीं बनाना है, ये जो मिडिल ये है ना गैप होना चाहिए, ये देखिए ऐसे करके इसमें गैप होना चाहिए खाली जगह पर। कुछ बच्चे इस तरह से बना देते हैं तो ये ई गलत है, रॉन्ग है, इस तरह से ई हमें नहीं बनानी है। बीच में यहाँ पर गैप होना चाहिए, खाली जगह होनी चाहिए, ठीक है। कैसे बनेगी, ये मिडिल की टू लाइन में ले गए, ऊपर ले गए और नीचे लाके ऐसे यहाँ पर छोड़, ये बन गई हमारी ई। ए बी सी डी ई। नेक्स्ट जो लेटर है वो है एफ। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है आपको, ये बनेगा फोर लाइन, वन टू थ्री फोर, पूरी फोर लाइन कवर करनी है। ये देखिए वन टू थ्री, थ्री लाइन्स में हमें क्या करना है, इसको पेंसिल को रखना है, ऊपर ले जाना है, नीचे लाना है, फिर से ऊपर ले जाके इधर टर्न करना है और ये ऐसे। एक बार मैं इसे बता दे रही हूँ, सिंगल लाइन वालों के लिए लाइन से नीचे तक बनेगा, इसलिए ऐसे ले जाना है, ऊपर ले गए, नीचे लाए, फिर ऊपर ले गए, फिर ऐसे करके छोड़। जैसे हमें फूल लिखना है, हमें फूल लिखना है, ये बनाया हमने, ओ बनाया, डी बनाया, इस तरह से लिखेंगे।
ये एफ बन गया। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। एक बार किसने बता रही थी हम सिंगल लाइन वाले बचने की कैसे करेंगे, ये यहाँ पर हमने पेंसिल रखे, ऊपर ले गए, फिर नीचे लाए, फिर यहाँ पे टर्न किया और ऐसे। ये आपका कितनी लाइन से बनेगा? फोर लाइन में। ये आपका पूरी फोर लाइन बनेगा और सिंगल लाइन वाले बच्चों के लिए लाइन से नीचे तक बनेगा। जैसे हम जी बनाते हैं उस तरह से लाइन से नीचे तक ये आएगा। एक बार फिर से बता लेते हैं, ये देखिए ऊपर ले गए, नीचे आए, नीचे आए, फिर ऊपर ले गए, यहाँ पे ऐसे करके। ये है हमारा एफ। नेक्स्ट हमें बनाना है जी। तो जी जैसे हम सिंपल जी बनाते थे, नीचे की थ्री लाइन बनेगी, बस इसको ऐसे करके जॉइंट करके लेते हुए जा। सिंपल एबीसी में हम ऐसे ही तो जी बनाते हैं, बस इसमें क्या है जॉइंट करते हुए लेते जाना है, क्योंकि कर्सिव लेटर जॉइंट कर करके ही लिखे जाते हैं। तो हम कैसे बनाएंगे इसको, यहाँ थर्ड वाली लाइन पे रखेंगे कि नीचे की थ्री लाइन से बनाना है हमें। ये देखिए यहाँ सर्कल बनाया और ऊपर, ये हमारा बन गया जी। सिंगल लाइन वाले बच्चे देखिए, सिंगल लाइन में हमें नीचे तक ले जाना है, ये ऐसे हो। कुछ बच्चे जी को ऐसे बना देते हैं, लाइन के ऊपर ही रख देते हैं, ऐसे नहीं बनानी है। ये क्या है? रॉन्ग है। दिस इज राइट। लाइन से नीचे ही जी बनेगा। ओके, सिंगल वाले लाइन वाले बच्चे ये ध्यान रखो। एफ जो है वो फोर लाइन में बनता है, सिंगल लाइन वाले बच्चे लाइन से नीचे तक बनाएंगे और जी नीचे की थ्री लाइन बनता है। ठीक है, जी जी के बाद क्या बनेगा? एच। एच क्या है? थ्री लाइन बनेगा, वन टू थ्री। तो जो मिडिल लाइन है वहां से हमें ऊपर ले जाना है, फिर नीचे लाना है और जैसे एच बनाते हैं वैसे एच बनाना है, कर लेते। ये देखिए सिंगल लाइन में देखिए बता रही हूँ मैं, ये ऊपर ले गए, ये एस एच। इसे देख लीजिए, देखिए ये सिंगल लाइन है, ऊपर ले गए, फिर नीचे लाए और ऐसे करके कर। ये कर जो है वो आपको सभी में मिलेगा, क्योंकि लेटर्स को जॉइन करते करते ही आगे वर्ड्स सेंटेंस हम लिखते हैं, इसलिए ये जो है वो जोड़ने के लिए, एक वर्ड को जोड़ने के लिए, एक अल्फाबेट को जोड़ने के लिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच। नेक्स्ट हमारा है आई। तो आई जैसे मैंने ई बताया था उसी तरह से बनानी है, कि यहाँ पर मैंने बताया था गैप रखना है और यहाँ पर गैप नहीं रखना है। ठीक है, ये देखिए ऐसे जॉइंट करते हुए लाना है, यहाँ पर गैप नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो ई बन जाए। ई ऐसे बनती है और आई में जॉइंट करना, गैप नहीं लगेगा। ठीक है, आई नेक्स्ट जे। तो जे भी क्या है, नीचे की थ्री लाइंस में भी बनेगा, वन टू थ्री, ऊपर की एक लाइन हमें छोड़ देना है, वन टू थ्री, नीचे की थ्री लाइंस में। देखिए कैसे बन रहा है, थ्री नंबर की लाइन, वन टू थ्री नंबर की लाइन में हमें इस तरह से ये रखना है, ऊपर ले जाना है और यहाँ पर आके इसको टर्न करना है, यहाँ पर डॉट। ये हमारा क्या हो गया, जे। देखिए सिंगल लाइन में बता देती हूँ, इस तरह से आपका ये जे बनेगा।
नीचे की थ्री लाइन्स, ठीक है, नीचे की थ्री लाइन्स बनेगा सिंगल लाइन वाली, ये जो लाइन आपकी जा रही है इसको ऐसे करके ऐसे बनाएंगे ऊपर डॉट, ये बनेगा जीरो। नेक्स्ट देखिए के, ये कैसे बनेगा, थ्री लाइन्स बनेगा के, ये सेकंड लाइन पर हमने इसको रखा, ये देखिए नीचे लाए और आर की जैसे घुमाना है, आर घूमता है, आर को हम बनाते हैं उस तरह से, ये हमें इसमें बनाना है। एक बार ऊपर फिर से बता दे रही हूँ, ये देखिए ये ऊपर ले गए, नीचे ला के ऐसे घुमाना, ये देखिए ऊपर ले गए, नीचे आए, यहाँ से आर हम बनाते हैं ना, आर हम ऊपर बनाते हैं और ये हमें क्या करना है, बीच में बनाना है और इसको ऐसे ये बनाते हैं ऐसे, ए ऐसे बनेगा, नीचे की थ्री लाइन ऊपर की थ्री लाइन, वन टू थ्री, ये देखिए A B C D E F G H I J K L। अब L देखिए, L भी थ्री लाइन्स बनेगा, ये वन टू थ्री थ्री लाइन से ही ऊपर ले जाना है हमें, ये देखिए और ये यहाँ है, सिंगल लाइन वाले बच्चे देख लीजिए, ये एल बहुत सिंपल है, लाइन से टच करना है, ऊपर ले जाना है, नीचे आकर ये कर छोड़, एल पर्सनल नंबर पर सेंड कर। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।